गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एडजेक्टिव का ये सेकेंड पार्ट है जिसकी शुरुआत एडजेक्टिव ऑफ नंबर से होगी। दोस्तों, जैसा कि मालूम है आपको, मेरी कोशिश एग्जाम्पल से डेफिनेशन की तरफ मैं अक्सर लेकर चलता हूँ, जिसकी मदद से समझाना आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर से रिलेटेड पहले दो एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, द फर्स्ट फाइव बॉयज अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। दोस्तों, ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव कम्प्लीटेड द टू लास्ट चैप्टर, ये भी गलत है। बस थोड़ी ही देर में बताऊंगा मैं कि ये क्यों गलत है। पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर के कॉन्सेप्ट को समझें। एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऐसे एडजेक्टिव्स को कहते हैं विच टेल्स द नंबर ऑफ अ नाउन, जो नाउन के नंबर को बताएगा, वह सारे एडजेक्टिव्स को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक डेफिनिट होता है और दूसरा इनडेफिनिट होता है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो डेफिनिट होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। यहां देखिए दोस्तों, अगर तीनों विशेषण एक ही वाक्य में लिखना पड़ जाए तो किस तरह से लिखना है, पहले ऑर्डिनल होना चाहिए, फिर कार्डिनल होना चाहिए और फिर मल्टीप्लिकेटिव होना चाहिए। जैसा कि इस एग्जाम्पल को देखिए, द फर्स्ट फाइव सिंगल रूम्स आर वैकेंट, यहां पे फर्स्ट ऑर्डिनल, फाइव कार्डिनल और सिंगल मल्टीप्लिकेटिव, इस वजह से यह सेंटेंस गलत है। लेकिन जब मैं बात करूं इस सेंटेंस की, यहां पर पहले फाइव है फिर फर्स्ट है, यहां पर ऑर्डिनल नंबर यहां आ गया, कार्डिनल यहां, तो ऑर्डिनल पहले स्थान पे आता है और दूसरे स्थान पर कार्डिनल, अगर तीसरा अगर देना है, अगर मल्टीप्लिकेटिव दे देना है तो तीसरा स्थान पे आएगा। यानी इस तरह की सीक्वेंस है, जो कि गलत सीक्वेंस होने की वजह से यह भी सेंटेंस गलत है। और वहीं यहां पर भी टू लास्ट, यहां पर देखिए तो ये ऑर्डिनल और ये कार्डिनल, इसको पहले होना चाहिए, इसको बाद में, इस वजह से यह गलत था। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखें कि अगर ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव अगर यूज करना हो तो इस क्रम में ही इसे इस्तेमाल करें, तभी जाकर सेंटेंस सही होगा। ये ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह की जो काउंटिंग नंबर है उसे हम ऑर्डिनल कहते हैं। वन, टू, थ्री को हम कार्डिनल कहते हैं। सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस तरह से जो काउंट करते हैं इसे हम मल्टीप्लिकेटिव कहते हैं। अब आती है बात इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इंडेफिनिट एक ऐसे वर्ड जो नाउन के इंडेफिनिट नंबर को बताएगा। इस सेंटेंस में पता चलता है कि कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं, यानी दो लड़के खेल रहे हैं कि चार खेल रहे हैं, पता नहीं चल रहा है नंबर्स ऑफ बॉयज का। इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, मेनी टीचर्स आर अब्सेंट टूडे, बहुत सारे टीचर आज अब्सेंट है, कितने अब्सेंट है ये भी पता नहीं चल रहा है। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, यानी है तो किताबें बट कुछ है, नंबर्स स्पेसिफाई नहीं है। यानी जब नंबर स्पेसिफाई नहीं हो और ऐसे वर्ड का जब इस्तेमाल किया जाता है, इन सारे वर्ड को, चाहे फ्यू हो, मेनी हो, सम हो, ये सारे वर्ड क्या कहलाएंगे, इनडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब आती है बात इसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, वो क्लियर है, बहुत इजी है कि ऐसा एडजेक्टिव जो किस चीज को बताएगा, इंडेफिनिट नंबर ऑफ नाउन को इंडिकेट करेगा, उसे हम इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसा कि सम, मेनी, ऑल, इसके बाद अगर इस्तेमाल करते हैं, या सेवरल हो, फ्यू हो, क्या पता चला, जैसा कि अभी आपने देखा इस एग्जाम्पल्स में क्या था, सम बॉयज, इंडेफिनिट लड़कों को इंडिकेट किया था, यहां पे इंडेफिनिट टीचर्स को इंडिकेट किया था, इसलिए कैसे वर्ड कहलाएंगे, ये हमारा इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दोस्तों, हमारे पास डब्ल्यू एच वर्ड्स बहुत सारे हैं, डब्ल्यू एच फैमिली के सारे वर्ड्स मिलते हैं आपको, जैसे व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, इस तरह से बहुत सारे वर्ड है आपके पास। इसको दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक तो जो आपके सामने दिख रहा है हुज बुक, यानी डब्ल्यू एच वर्ड के बाद मैंने नाउन लिया, और दूसरी तरह से आप कह सकते हैं, जैसे यहां पर देखिए एक गलत यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस पर आप ध्यान ना दें। नेक्स्ट, विच पेन इज योर्स, कौन सा पेन आपका है, यहां भी नाउन दिया गया है। बताना मकसद मेरा यह है कि एक सेंटेंस मैं और लेता हूं, इसको जरा देखें, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अगर इस तरह से हम सवाल पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो व्हाट के बाद मैंने इज एक वर्ब को लिया। तो बताना मकसद मेरा यह था कि जो भी डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेटेड वर्ड होते हैं, अगर उसके बाद वर्ब आ जाए तो इसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, और जब नाउन आ जाए तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये सारे वर्ड के बाद नाउन का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। यानी अब देखते हैं नेक्स्ट पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जरा सेंटेंस के एग्जांपल को देखें और मीनिंग को समझने की कोशिश करें। दिस इज माय बुक, यह मेरी पुस्तक है, अगर आपकी पुस्तक है तो उस पर हक किसका है, आपका है। शी इज डूइंग हर वर्क, वो काम तो कर रही है लेकिन किसका काम कर रही है, अपना काम कर रही है। यानी पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि ऐसा एडजेक्टिव जो रिलेशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, या फिर पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो।
रिलेशन या पजेशन अगर बताने के लिए इस्तेमाल किया जाए उस सारे एडजेक्टिव्स को हम एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। कभी कभी इसके यूजेस में गलतियां हो जाती है, ख्याल रखें कि पजेसिव एडजेक्टिव का जो प्लेस है वहीं पे इसका इस्तेमाल करें। आई मेट हिम फ्रेंड यस्टरडे, यहां पर हिम फ्रेंड करके कोई सेंटेंस नहीं हो सकता दोस्तों। ये जो जगह है वो हिज के लिए यानी पजेसिव एडजेक्टिव की जगह है। यहां पर रिलेशन बताना था कि मेरी मुलाकात उसके दोस्त से हुई थी, रिलेशन बताना था, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस गलत है। हिज अगर देंगे तो जाकर ये सेंटेंस सही होगा। फिर उसी तरफ से आई गोइंग टू पटना, कभी सेंटेंस सही नहीं हो सकता। माई गोइंग टू पटना यानी मेरा पटना जाना, यहां पर आई की जगह पे माई करेंगे तब जाकर यह सेंटेंस सही होगा। पता ये चला कि पजेसिव एडजेक्टिव को सही तरह से इस्तेमाल करना होगा और सही जगह पर, तभी जाकर सेंटेंस सही होगा। कितने होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव आपके सामने है, ये टोटल 7 होते हैं। चलिए इसके कुछ और यूजेस को देखते हैं। हिंदी में एक वर्ड है अपना, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अपना का इंग्लिश लिखने के लिए। अपना वर्ड का दो इंग्लिश होता है, एक जो सब्जेक्ट होते हैं, जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव, जहां देखिए माई आवर हिज, एक तो यह है, और दूसरा वर्ड होता है ऑन। कब किसका इस्तेमाल करना है आप सेंटेंस में यूजर्स को देखेंगे तो समझने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगी। आई रीड माई बुक, मैं अपनी पुस्तक को पढ़ता हूं। शी रीड्स हर बुक, वह अपनी पुस्तक को पढ़ती है। चलो देखते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि दोनों में फर्क क्या है। हाँ दोस्तों, अपना हिंदी का एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसकी इंग्लिश जानना आपको बहुत जरूरी है। देखते हैं कि अपना का इंग्लिश क्या होता है। तो बहुत ईजी है, अगर हिंदी में अपना जो वर्ड है उसकी अगर इंग्लिश अगर आप देखें तो दो तरह से होता है, एक सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा वन एक वर्ड है ओन, ये होता है। जरा देखें, इससे पहले समझने की कोशिश करें इसको। अपना आई रीड माई बुक यानी ये सब्जेक्ट है, इसकी पॉजिटिव एडजेक्टिव, यहां भी सब्जेक्ट, इसकी एडजेक्टिव। वी रीड आवर बुक, हम लोग अपना बुक पढ़ते हैं। ही रीड्स हिज बुक, वह अपना किताब पढ़ता है। ये है दोस्तों अपना का इंग्लिश। तो इस अंदाज में यूज करेंगे तो अपना की इंग्लिश यहां से आ जाएगी, यानी सब्जेक्ट के बाद उसका एडजेक्टिव फॉर्म देंगे, अपने आप अपना का इंग्लिश आएगा। ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन उसका इस्तेमाल कब करना है यहां देखें। दिस इज माई ओन बुक, यानी एक तो क्लियर है दोस्तों कि अगर इस वर्ड का इस्तेमाल कब करना है, इन सारे वर्ड के बाद ही तो करना है इसका इस्तेमाल। दिस इज माई ओन पेन, यह मेरा अपना कलम है। दैट इज हिज ओन बुक, वह उसकी अपनी पुस्तक है। एंड दिस इज योर ओन वॉच, यह तुम्हारी अपनी घड़ी है। एक तो तुम्हारी बोल रहा हूं और उसके बाद अपनी वर्ड है, यहां पे क्या एडजेक्टिव फॉर्म भी है और आगे एक वर्ड है ओन। यानी अपना के लिए दो वर्ड इंग्लिश था, एक ये और ये। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, सब्जेक्ट का एडजेक्टिव फॉर्म देंगे, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो अपना का मीनिंग आएगा। अगर इसके साथ इसको देना पड़ता है, डायरेक्ट ओन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहां पे वर्ड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी जैसे आपको पता है, चाय में चीनी ज्यादा हो जाना, सब्जी में नमक ज्यादा हो जाना, क्या एक तरह का ये क्वांटिटी होता है। शरबत बना रहे हैं, वहां पे चीनी ज्यादा हो गया, पानी कम हो गया, ये क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी बताने वाले जो भी वर्ड होते हैं ना, उन सारे वर्ड को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल पहला देखिए, आई हैव एनफ टाइम टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए मेरे पास बहुत टाइम है। यानी टाइम क्या है, एक नाउन है, एनफ एक वर्ड। यहां देखते हैं, ही इज एनफ इंटेलिजेंट या फिर इंटेलिजेंट एनफ। तो दोस्तों इंटेलिजेंट एनफ सही होगा और एनफ इंटेलिजेंट गलत होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एनफ वर्ड से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि एनफ के बाद, एनफ जो वर्ड होता है उसके जस्ट बाद क्या आता है, तो दोस्तों नाउन आता है। यहां पे देखें, नाउन है तो पहले एनफ आएगा, अगर एडजेक्टिव देना है तो एडजेक्टिव के बाद एनफ का जगह होता है। ख्याल रखेंगे एनफ के यूजर्स में अक्सर लोगों से गलती हो जाती है, इस तरह की गलती आप ना करें। एडजेक्टिव देना हो तो एडजेक्टिव के बाद एनफ होगा। इंटेलिजेंट एनफ, ब्यूटीफुल एनफ, जैसे आपको कहना वो बहुत खूबसूरत है, सी इज एनफ ब्यूटीफुल, नहीं, सी इज ब्यूटीफुल एनफ, ऐसा आप कह सकते हैं और वही सेंटेंस सही होगा। अगर नाउन देना है तो एनफ पहले होगा, नाउन बाद में होगा। देर इज मिल्क, देर इज लिटिल मिल्क इन द टी, यानी चाय में जो मिल्क है कितना है, लिटिल है, या मात्रा को बता रहा है, ना के बराबर दूध है। चलिए आगे देखते हैं, यह है डेफिनेशन दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेफिनेशंस एक सहारा है, अगर देखें तो सब कुछ कॉन्सेप्ट ही है। डिस्क्राइब करता है किस इसको, क्वांटिटी ऑफ नाउन को। क्वांटिटी बताने के लिए सारे वर्ड आपको यूज कर सकते हैं आप,
जैसे इनफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मच का कर सकते हैं, लिटिल, सम और ये सारे वर्ड जो है इत्यादि, इन सारे वर्ड का इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज की क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आती है बात एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, गुणवाचक विशेषण की। तो गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं, जैसा कि आपको पहली स्लाइड में, पहले पार्ट में मैं इसके बारे में बखूबी एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट पार्ट में। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो बराए मेहरबानी एडजेक्टिव के फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, जो कि मेरा लेक्चर नंबर 8 था, ये लेक्चर नंबर 9 है। अब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, तो क्वालिटी गुण बताने वाले वो सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। यहां पर कोई गरीब है उसकी अपनी क्वालिटी है, कोई अंधा है, यहां पर एक खास बात याद रखना है, कोई अमीर है, तो इस तरह के वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो कभी भी पुअर वर्ड को कभी आप पुअर्स ना करें, एक गरीब हो तो पुअर और एक से ज्यादा गरीब बंदे हो तो उसके लिए द पुअर, एक अंधा है तो ब्लाइंड, एक से ज्यादा अंधे हैं तो द ब्लाइंड, एक अमीर इंसान है तो रिच और एक से ज्यादा है तो द रिच। यानी पता क्या चला कि अगर हम बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव क्वालिटी से पहले अगर द का इस्तेमाल कर देते हैं तो ये वर्ड प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाता है। इसलिए अगर आपको ऐसा कहना है कि गरीब लोग ईमानदार होते हैं, यानी गरीब लोग, बहुत सारे गरीब के बारे में बात करना है, तो आपको द पुअर्स आर ऑनेस्ट नहीं कहना है, द पुअर आर ऑनेस्ट, जो कि इस तरह से सेंटेंस बनेगा, तब जाकर सेंटेंस सही होगा। दोस्तों कभी भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में एस या ईएस लगाने की गलती ना करें। यहां अंधे लोग मजबूर होते हैं, द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, यहां पे ब्लाइंड्स नहीं कभी करना है, ना पुअर्स करना है, ना रिचेस करना है, क्यों, अगर रिचेस में अगर आप करेंगे तो पता है दोस्तों, एक तो सेंटेंस गलत होगी और इसकी मीनिंग भी बदल जाएगी, इसका मीनिंग होता है धन दौलत। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये दोस्तों ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का तीन पार्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो ऐसे ही पॉजिटिव किसे कहते हैं, कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है, इस एडजेक्टिव के फॉर्म्स को और इसके जो इंपॉर्टेंट यूजेस है अगली लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।